नमस्कार दोस्तों, सिकंदर रंगा स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आपके समक्ष आज हम जनरल इंडक्शन और पार्ट में सीख के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। उसके साथ इसके दो पार्ट बच जाएंगे जो कि है बंद सर्दा खातों में समायोजन, यानी खाते बंद करने के बाद यदि इनमें कोई गलती रह गई या कोई अशुद्धि रह गई तो उसको सुधारना, और एक रहेगा साझेदार द्वारा गारंटी या फर्म द्वारा कोई गारंटी। तो मैंने आपको पूर्व बताया था कि हमारा एक चैनल है सिटीज कॉमर्स क्लासेस नाम से, वहाँ पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। दोनों चैनल्स को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए थे। हमने आज सोचा है कि अधिकांश सवाल तो पूरे पूरे बड़े बड़े बोर्ड पर हो नहीं सकते, तो इनमें 77 क्वेश्चन तो बोर्ड पर सुना देंगे आपको पैटर्न के अनुसार। बाकी क्वेश्चन के हम आपको कंप्यूटराइज PDF फाइल उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद। देखिए सवाल, चूँकि आज हमने सवाल पहले ही बोर्ड पर उतार के रखा है कि सवाल में समय बर्बाद ना हो। तो सवाल है कि के और आप 3:2 में एक साझेदार फॉर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2016 को के की पूंजी जो है वो 1 लाख, आर की पूंजी जो है 60,000। उनके करंट अकाउंट का बैलेंस के का 6,000 और आर का 2,000। उसके पश्चात दिखाए के ने एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 2016 को लगाई तथा उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाए 10% वार्षिक और आर पर ब्याज दिया जाए 5% वार्षिक। के और आर के जो आहरण है पूरे वर्ष के 10,000 और आर के भी 10,000। कहा जाता है कि के को सैलरी दे रही है 2500 पर मंथ और प्रॉफिट जो है वो है 67,67,000। अकाउंट जो है वो खाते बंद होते हैं इनके 31 मार्च 2017 को। ये सवाल है आपको। इस सवाल में P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और जनरल एंट्रीज तीनों चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो सारे सवालों की जनरल एंट्रीज एक जैसी है, तो मैं एक बार ही आपको जनरल एंट्री 5-7 करके बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा जो साझेदारों में बांटा जाएगा, उससे बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो आपको कहा था देखो P&L एप्रोप्रिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका बैलेंस लिखा होगा और उस प्रॉफिट या लॉस के साथ हमेशा पूर्व शब्द लिखा होगा। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैंने खाली प्रॉफिट लिखा हुआ है, न पूर्व लिखा है, बिफोर लिखा है, ना आफ्टर लिखा। बिफोर आफ्टर का तात्पर्य किसी को सैलरी देने के बाद, किसी को कमीशन देने के बाद या ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना है जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है तो हम ये समझते हैं कि जो दे रखा प्रॉफिट है वो पूर्व का है, आफ्टर प्रॉफिट नहीं है। यानी पूर्व प्रॉफिट जब होता है तो इन सारे ट्रांजेक्शन को P&L अप्रोप्रिएशन शो करना होता है, और P&L अप्रोप्रिएशन वही ट्रांजेक्शन आते हैं जो पार्टनर कैपिटल और सॉरी पार्टनर और फर्म दोनों को इफेक्ट करते हैं, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हो जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2017। ठीक है, ये वही पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स मैं लिख देता हूँ इस अकाउंट में, वही मजा आनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो क्या हो फर्म प्लस पार्टनर दोनों को इफेक्ट करती हो, किसी एक को इफेक्ट करती होगी वो मत इसमें नहीं आएगी, दोनों को इफेक्ट करने वाली मजा ही इसमें आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैंने कहा था कि हमेशा लाभ या हानि आपको सवाल दे रखी होगी, तो लाभ यहाँ दे रखा है 67,000, तो 67,000 को जो लाभ है इसके लिए एक बात और कही थी कि इस लाभ से पहले शब्द लिखा होगा पूर्व पहले, यदि कुछ नहीं लिखा है तो स्पष्ट सूचना नहीं है, स्पष्ट सूचना का अभाव ये मान जाता है कि ये लाभ है कि पूर्व का लाभ है। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई NP नेगेटिव बैलेंस या गिवन इन क्वेश्चन 67,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाते हैं। के और आर 3:2 में लाभ बांटेंगे, लाभ या हानि आएगी तब बांटेंगे, छोड़ दो एक बार। कैपिटल कैपिटल के और के की है, तो देखो कहा था जो खाली साझेदार से संबंधित है वो पार्टनर कैपिटल में आएगा, तो कैपिटल छोड़ दो।
करंट, अब देखो करंट भी है तो खाली के का वहां जाएगा, आर आर का यदि कैपिटल है ये जरूरत तो ये भी नहीं आएगी। हाँ के की सैलरी, के की सैलरी कौन देगा, के की सैलरी जो है वो देगा आपको वो जो फर्म है वो देगी और के को देगी। तो साझेदार का साझेदार की इनकम है लेकिन ये जो है वो फर्म का खर्चा है, तो फर्म का खर्चा और साझेदार की इनकम वो कहाँ आ जाएगी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ मिलेंगे टू सैलरी टू के। पच्चीस सौ मिलना महीने का, देखो इनका पर मंथ इंटू बारह गुणा कर लो ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब यहाँ तक का सवाल हम देख लिया, कैपिटल कर लाएंगे नहीं है के की गलत कर दी। यहाँ आते हैं एडिशनल कैपिटल, ये भी छोड़ दो एक बारी। एक अक्टूबर, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, फर्म देगी के को देगी और आर को देगी। इंटरेस्ट ऑन टाइम कौन लेगा, फर्म लेगी के से लेगी और आर से लेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक तो होगा के का, एक होगा आर का, दोनों के लिखो सी डब्ल्यू आई नंबर ए, मतलब एक नंबर वर्किंग नोट देखो आप इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ मैं करता हूँ वर्किंग नोट नंबर ए। एक नंबर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले बात करते हैं के की। ठीक है ना, के की, अब देखो के ने कैपिटल कब लगाई है, एक अप्रैल 2016 को, कितने रुपये लगाई है, 1,00,000। तो एक अप्रैल से लेकर साल को खत्म होता है 31 मार्च 2017 को, तो यहाँ तक तो जो है ना 31 मार्च 2017 तक, इस पर तो पूरे 12 महीने हो गए, तो इस पर तो मिलेगा पूरा पर 10,000 रुपये। तो देखो यहाँ देगा इसका 1,00,000 की कैपिटल, 10% ब्याज है 10,000। ठीक है ना, उसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 अक्टूबर को और। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कैपिटल के बारे में, अब जो सेकंड बार कैपिटल लगाई है 1 अक्टूबर 2016 को और रुपए लगाए हैं इसने 40,000। ठीक है ना, तो देखो साल कब खत्म हो जाए, 31 मार्च 2017 को होता है साल खत्म, समझ लो 31 मार्च 2017 को साल खत्म होता है। तो यहाँ से अपने चलेंगे टू 31 मार्च 2017। ठीक है ना, अब अक्टूबर शुरू से लेके मार्च 2017 के अंत तक महीने काउंट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने। तो ये जो कैपिटल है ना इस पर इसको ब्याज मिलेगा 6 माह का। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देगा 40,000 10% से 10/100 इंटू 6 महीनों से 6/12 काट दो, तो ब्याज जाएगा 2,000 रुपये। यहाँ पे आप बता दूंगा कितना आगे, एक बार और 2,000 यानी 12,000 रुपये, ये 12,000 ब्याज हो जाएगा के का। तो यहाँ के मैं लिखूंगा के का ब्याज 12,000। अब मैं किसी की कैपिटल करूँगा आज की, आज की कैपिटल कितनी है, आठ ने कैपिटल लगाई 60,000 रुपये, तो ये 60,000 इंटू 10% सीधे कर दो कितना देगा यहाँ पर 6,000 रुपये ब्याज। ठीक है ना, इसके अलावा देखो आठ ने कहीं एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं है, जब बाहर की एडिशनल कैपिटल नहीं है तो यहाँ सीधा आठ का ब्याज कितना देगा 6,000, दोनों मिलाकर बाहर आ जाएंगे 18,000 रुपये ब्याज। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गौर करना सवाल में, हमने ये लाइन हल की, ये की, ये की, ठीक है, ये कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जगह है। अब आना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम साझेदार का खर्चा। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये होगा के का और आर का। इसमें कोई अलग से मंथ नहीं है कि उसमें पैसा निकाला है लगाया है, कुछ नहीं है, ये सामान्य रुपये का सवाल समझने के लिए। तो 5% से है और ज्वाइन है दोनों की 10,000 रुपये, 10,000 × 5% और 10,000 × 5% यहाँ दोनों क्या जाएंगे 5,500 रुपये। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गए।
उसके अलावा अब सवाल कुछ नहीं बता, जितनी भी मदे फर और पार्टनर दोनों से संबंधित थी, जो फर को भी इफेक्ट करती थी और पार्टनर को भी इफेक्ट करती थी, तो दोनों को इफेक्ट करने वाली मदे थी वो सारी हमने यहाँ लिख दी, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो अब तो सारी लिख दी, तो यहाँ इस खाते को कर देंगे हम क्लोज, अकाउंट क्लोज करेंगे तो दोनों साइड बंद। अब जो गौर करना, मैं नीचे डबल लाइन कर रहा हूँ, ये तो नीचे और डबल लाइन होती है ना, इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में हिंदी हो जाए इंग्लिश कहते हैं कास्टिंग, ठीक है। अब इसकी टोटल कर लो, ये हो जाए 68,000, ये भी हो जाएगा 68,000, ठीक है। 68,000 में से आप घटा दो 30 और 18, 50 घटा दो, तो यहाँ दे देगा 2 प्रॉफिट, ठीक है। तो 68,000 घटा दो बचेगा 20,000। अब देखो यहाँ लिखा मैंने, अब ब्रैकेट में हमने हमेशा लिखा है ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट, आज हम लिखेंगे ट्रांसफर इन पार्टनर करंट कैपिटल नहीं लिखेंगे, ट्रांसफर इन पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है ना। इसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है कि यहाँ पर पार्टनर कैपिटल का बैलेंस भी दे रखा है, पार्टनर करंट का बैलेंस भी दे रखा है, करंट और कैपिटल दोनों का बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। अब मैंने आपको जब कल समझाया तो मैंने ये बताया था कि स्पष्ट सूचना के अभाव में हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा क्योंकि परिवर्तनशील निधि लगेगी, लेकिन जब स्पष्ट सवाल में नहीं लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं लिखा यानी कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए यानी परिवर्तनशील निधि लिखनी होनी चाहिए, लेकिन मैंने वहां एक जोर देके बात कही थी कि कई बार सवाल में स्पष्ट नहीं लिखा होगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि स्पष्ट सूचना के अभाव में पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी परिवर्तनशील निधि लगेगी, लेकिन यदि करंट का बैलेंस भी दे रखा है तो वहां आपको हमेशा मेथड लगाना है स्थिर, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। और जब पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम केवल चार बजे लिखते हैं बैलेंस एडिशनल, यदि परमानेंट को विड्रॉ कर लिया वो और एडिशनल कैपिटल लगी है तो वो, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर करंट अकाउंट दोनों में बांट दो, किस किस की कितनी कितनी कैपिटल आएगी, प्रॉफिट के का कितना होगा, आर कितना होगा, के का और आर का। अब के का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 इंटू 3/5 क्योंकि रेशियो 3:2 है, 12,000 रुपये के को मिलेंगे और 20,000 इंटू 2/5 यानी 8,000 रुपये आर को मिलेंगे, ठीक है। ये होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूरा। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल, उसे पहले आप उसको जरा एक बार समझ लो फिर आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद में उनका पार्टनर कैपिटल और समझना, ठीक है ना। तो ये अपने कोई काम का नहीं रहा, आपने उतार लिया होगा इसको या फिर आपने समझ लिया होगा इसको, जो भी आपको सुविधा लगी वो वैसा, ठीक है, क्लास वालों ने उतार लिया। अब हम बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ कैपिटल और करंट दोनों दे रखे हैं, तो जब कैपिटल और करंट दोनों दे रखे होते हैं तो अपने का मेथड लगता है फिक्स मेथड, यहाँ लगाएंगे अब फिक्स मेथड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में खाते बनते हैं दो, एक बनता है पार्टनर कैपिटल, एक बनता है पार्टनर करंट। तो पहले बात करते हैं हम एक नंबर खाते की पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। हुए पर्टिकुलर्स के और आर, पर्टिकुलर्स के और आर, ऐसे कि वैसे इसमें भी पर्टिकुलर्स के और आर, पर्टिकुलर्स के और आर, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने आपको कहा था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है स्थिर विधि में जब होता है तब इसमें खाली और खाली चार बच जाती है, बैलेंस की लिमिट क्रेडिट दो,
और एडिशनल कैपिटल 3 और यदि परमानेंट को विड्रॉ करें तो 4। इस सवाल देखो करंट देखा तो पहले स्पष्ट सूचना नहीं थी तो कैपिटल अकाउंट बना था परिवर्तन विधि से, लेकिन स्पष्ट सूचना नहीं होने के बाद भी एक इनबिल्ट सूचना दे रखी है करंट की, तो करंट की बैलेंस की सूचना दे रखी होती है तो आपको बनानी पड़ती है फिक्स मेथड। फिक्स मेथड सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। देखो यहाँ क्या है, पार्टनर करंट के, पार्टनर करंट के का और आर का, ठीक है ना, के का और आर का। यहाँ ध्यान रखना है आपको ये जो आर वाला बैलेंस है ना ये डेबिट बैलेंस है, आर वाला बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, बाकी दोनों का के का और के का जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही है। तो शुरू करते हैं हम, ये करंट का बैलेंस करंट में जाएगा, ये कैपिटल। देखो अब कैपिटल केवल के की और आर के नाम से है, मैंने कहा था साझेदार की बात, खाली साझेदार की, साझेदार के खाते में, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं के का और आर का बैलेंस, तो यहाँ जाकर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, के में 1,00,000 आर में 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस के का और आर का, तो यहाँ जाकर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी के में 6,000, आर का डेबिट है तो इधर आके लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल किसकी है, के की, कितने रुपए, 40,000। एडिशनल कैपिटल भी मैंने आपको कहाँ बताई थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी तो यही लिखेंगे भाई कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल के में लगी है 40,000। थोड़ा गलत बैलेंस उतार दिया, ऊपर नीचे बैलेंस उतर गया, दुबा देखो एक बार, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस 1,00,000 और 60,000, तो कैपिटल ये वाला है, कैपिटल का बैलेंस यहाँ उतार लेते हैं 1,00,000 और 60,000, ठीक है। पार्टनर करंट का बैलेंस के का 6,000, तो यहाँ 6,000 के का, और आर का 2 बैलेंस बी, आर का 2,000 दिया। एडिशनल कैपिटल के की एडिशनल कैपिटल पार्टनर कैपिटल 40,000, 40,000, ठीक है। कि जितनी जितनी मदद खाली पार्टनर संबंधी हमने सब उतार दिए, उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार दिया, ठीक है। ये सारी मदद हमने उतार दी, इनकी है ड्राइंग्स के की और आर की, तो पार्टनर करने का यहाँ उतार दो 2 ड्राइंग, 60,000 रुपये देना। अब देखो जितनी बातें सवाल से थी, पार्टनर कैपिटल और करंट दो तो उधार दी, बच गई जो भी मदे हैं जो सवाल में भी है, लेकिन उनको हमने हल कहां कर दिया, पीएनएल इक्वेशन हल कर दिया। जब पीएनएल इक्वेशन को हल कर दिया है ना, तो यहां से अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कैपिटल वही मदे आएगी जो क्रम क्या बताया, पहले सवाल से हल करो, सवाल से जो जो थी उतार दी, उस स्थान पर पीएनएल इक्वेशन देखो, तो पीएनएल इक्वेशन से क्या क्या देख रहा है, पीएनएल इक्वेशन से पार्टनर कैपिटल वो मदे आएगी जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर के नाम से है। डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट में है तो डेबिट में आएंगे, फिर एक खाते से दूसरे खाते में जाते हैं, तो डेबिट की मदद जाती है क्रेडिट में और क्रेडिट की मदद जाती है डेबिट साइड में, क्लियर बात। तो अब यहाँ देखो सैलरी टू के लिखा है, तो सीधा यहाँ जाओ और आप यहाँ दे दो करंट अकाउंट में भाई दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिखो भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी कितने रुपए है 30,000, ठीक है। अगली मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ कैसे लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है के आर दोनों का नाम है, डेबिट में सीधा क्रेडिट में जाओ, यहाँ लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने पी एन एल नहीं लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के को 18,000 आर को 6,000, ठीक है। यानी आप इसको पी एन एल से ब्रैकेट में सैलरी या ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मत है वैसा भी लिख सकते हैं और चाहे सीधा नाम भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है टू प्रॉफिट, तो यहाँ जाएंगे इसको पी एन एल एप्रोपेशन ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये कहाँ से आई अपना लिखना होता है भाई पी एन एल एप्रोपेशन, ठीक है, ब्रैकेट में प्रॉफिट हो जाएंगे 12,000 और 8,000,
हुआ। अब इधर आते हैं, पहले सी एंट्री होगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ आके देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या टू पी एंड एप्लीकेशन रेडी पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500 रुपये। अब मैंने सवाल की सारी मदद कर दी, पी एंड एप्लीकेशन सारी मदद उतार दी, तो बचा कुछ? कुछ नहीं बचा, खातों को बंद कर देते हैं। खाते बंद करेंगे, यहाँ इसकी टोटल आई 60,000, टोटल आई 1,40,000, इधर भी टोटल करेंगे 60,000, 1,40,000 और कहेंगे टू बैलेंस सी डी 1,40,000 60,000। सब कुछ जो समझ नहीं आया वो क्लियर बात, ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। देखो 8 से 14,000 रुपये यहाँ पर भी 14,000 रुपये, 10 दो 12, 12,500 हो गए, 1,500 रुपये बच गया टू बैलेंस सीधी, इसको बंद करो 36, 18, 12, 18, 2, 20, 10, 30, 60, 66,000 रुपये। इसमें से डाल 10,500, ये टोटल 66,000, ये जगह 55,500, ठीक है, ये हो गया इसका पहले। इसको हम कह सकते हैं वो बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर ये है, ठीक है, ये हुआ पार्टनर कैपिटल पूरा। अब 25 की जनरल कॉस्ट क्या, अब 2 मिनट उसका मन करो और आपको जो बता दो उसको तो कम आगे बात करो। अब हम इस सवाल की तो कोई आवश्यकता नहीं बची क्योंकि हमने पूरा उतार लिया। अब जनरल कॉस्ट समझा लिया आपको, तो जनरल कॉस्ट समझाने के लिए मैं इस सवाल को हटा देता हूँ और सारी जनरल कॉस्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में यदि आपको समस्या हो तो आप वहाँ से हमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको समझ नहीं आए तो वो वहाँ से पूछ सकते हैं। अब देखिए जनरल क्वेश्चन, तो देखो मैंने आपको बताया था बैलेंस की कभी एंट्री होगी नहीं, ये बैलेंस इसकी पुष्टि नहीं होगी, इस बैलेंस की पुष्टि, इस बैलेंस की, इस बैलेंस की, बैलेंस की कोई पुष्टि नहीं होगी। बैलेंस के अलावा आप बताओ पुष्टि करते हैं ना, तो वो हम यहाँ सैलरी की पुष्टि करेंगे। जब पी एंड एल एप्लीकेशन से करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एंट्री में खाते का उल्टा और खाते में एंट्री का उल्टा, मतलब जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। तो जब हम यहाँ से एंट्री देखते हैं तो देखो क्या होता है, सैलरी टू के ये डी आर है, जब ये डेबिट है ना, ये डेबिट है, इसका मतलब पी एन एल एप्लीकेशन क्रेडिट है, तो जब वो एंट्री करेंगे दोनों उल्टे हो जाएंगे, जो डेबिट है वो क्रेडिट और जो क्रेडिट है वो डेबिट, यानी एंट्री क्या बन जाएगी, पी एन एल एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी टू सैलरी ना, सैलरी ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर देते ये वाले, तो कितनी हो गई 18,000। अब ये सैलरी तो यहाँ से हुई, ये की सैलरी कहाँ गई है, इसकी क्रेडिट साइड में भी गई है, ठीक है ना, तो यहाँ से जब क्रेडिट साइड में गई तो यहाँ से तो ये एंट्री करना चाहिए, तो क्रेडिट में क्या है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और फिर ये तो क्रेडिट है तो डेबिट कौन है, डेबिट होगा के, तो आप ये एंट्री क्या बन जाएगी, यदि हम वहाँ से एंट्री करना चाहें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू क्या आ जाएगी, एक सैलरी, यानी वो क्यों एंट्री बनेगी, यहाँ से जो एंट्री कर दी उसको दोबारा वहाँ से करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार जब इंटरेस्ट और कैपिटल की एंट्री करेंगे तो हमें समझा दो सीधा उतार लेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट और कैपिटल डेबिट है तो फिर सी आर क्रेडिट कौन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एंट्री जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगी उल्टा, उल्टा मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट और कैपिटल, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डी आर टू पार्टनर्स प्रॉफिट, बस। जब ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड से तो एक बता देता हूँ इसको भी, बैलेंस की एंट्री होगी नहीं, ड्रॉइंग क्या है यहाँ पर सी आर है तो ये हो जाएगी डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डी आर टू में क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट था डेबिट हो गया, इसके क्रेडिट का ये डेबिट था तो इसको बोलो क्रेडिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, 1,000 रुपये। यदि ये एंट्री यहाँ से करना चाहे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सी आर है ना, ये तो क्या हो जाएगी डी आर, देखो अब हमने यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, नाम का नाम ही लिखा है, तो
अब अब यहाँ से एंट्री करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन रनिंग सीआर है, क्या हो जाएगी डी आर, इंटरेस्ट ऑन रनिंग डी आर। टू में कौन कौन आ जाएगा, टू में आ जाएगा के और आर, तो टू के और टू आर पाँच पास हो जाएगा। पी एन एल एप्रोच स्टाम पर पार्टनर के नाम भी लिख सकते मेरे पास देखा ये हो गया दोनों एंट्री। इस खाते से सारी एंट्री आपको समझ आ गई, सारी एंट्री में नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एक तरह एंट्री समझा रहा हूँ क्योंकि सारों में ऐसे ही एंट्री होंगे, ज़्यादा समझ लेंगे मैंने आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना। उसके बाद यहाँ से जब एंट्री का बैलेंस होगी नहीं, बैंक सी आर है, किसके सी आर में है के, देखो यहाँ इस खाते का नाम मत देखना, इसमें भी इसकी मेन हेडिंग में सब हेडिंग देखना ठीक है ना। तो यहाँ बैंक क्रेडिट है, बैंक हो जाएगी डेबिट, यानी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक डी आर 40,000, बैंक के डी आर अकाउंट कोई ना कोई क्रेडिट है ठीक है ना। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, जिसके खाते में अमाउंट है, के में है तो टू के इज कैपिटल। बैलेंस की एंट्री नहीं, ड्रॉइंग की एंट्री वापिस वही ड्रॉइंग डी आर, ड्रॉइंग की जाएगी सी आर, किसमें है के आर में, ड्रॉइंग की बजाएगी के इज कैपिटल डी आर, के कैपिटल नहीं आएगा करंट अकाउंट में आएगी, तो आएगा के इज करंट अकाउंट डी आर, आज करंट अकाउंट डी आर टू ड्रॉइंग। यहाँ से एक एंट्री मैं बता देता हूँ आपको, देखो जब हम ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे तो ये ड्रॉइंग्स जो है ना, इस ड्रॉइंग्स की एंट्री में ड्रॉइंग डी आर है, किसमें डी आर है, पार्टनर करंट में, और पार्टनर करंट किस किसके, के की और आर के, यानी ड्राइंग डी आर ये तो देगी सी आर, और डेबिट कौन हो जाएगा के और आर, के और आर के कैपिटल लिखे या करंट लिखे, तो अब ये कौन से खाते में, करंट अकाउंट में, तो यहाँ आएगा केस करंट अकाउंट डी आर। अब लिखेंगे हम केस करंट अकाउंट डी आर, आस करंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट, टू में खाली ड्राइंग्स राशि है इनकी, के में 10,000, आप 10,000, दोनों मिलाकर 20,000, बस ये होगा आपका सवाल कंप्लीट। इस सवाल में इतना ही था, जनरल एंट्री भी हो गई, पार्टनर कैपिटल भी हो गई है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे दोनों चैनल सिटीज कॉमर्स क्लासेज और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।